Hi guys, welcome to my channel. Today I'm going to show you how to contour your face. अब आपको contouring के बारे में मैं थोड़ा सा rough knowledge देती हूँ. अगर आप new हो, beginners हो, तो contouring बहुत important होता है makeup में. To look your face slimmer and sharper. तो किसको sharper face नहीं चाहिए? सबको ही चाहिए, right? But today I'm going to show you the easiest way to do contouring. So guys, without wasting any time, let's move ahead. तो सबसे पहले हम लेंगे कॉन्टोर स्टिक. ये कॉन्टोर स्टिक मैंने जो लिया है ये मार्स का है. ये बहुत इजीली ब्लेंड होता है एंड सेम टाइम ये बहुत अफोर्डेबल है. इसे इस तरह सी बनाना है और अपने कान से लेकर अपने गाल तक एक लाइन ड्रॉ करना है. उसके बाद हम अपने नोज़ को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लेंगे, जिस तरह मैं अभी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ उस तरह अपने जॉ लाइन एरिया में, ताकि हमारा जो जॉ लाइन है वो शार्प दिखे. अब मैं इसे ब्रश के हेल्प से अपने फेस पे और ज़्यादा अच्छे से डार्क कर लूँगी. जितना डार्कर आप करोगे उतना शार्पर लुक मिलेगा आपको. अपने फोरहेड पर भी लगाना है, जिससे आपके फोरहेड ज़्यादा ब्रॉड है अगर तो वो स्मॉल लगेगा. और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है करना, ताकि फेस को एक शेप मिले. ऐसे फिश जैसा फेस बना लेने से आपको प्रॉपर पता चलेगा आपका जो चिक बोन है वो कहाँ पे है. एग्जैक्टली उसके नीचे ही करना है हमें कॉन्टोरिंग. अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पूरे फेस पे इसे लगा लिया है. अगर आपका डबल चिन दिखता है तो उसे भी आप हाइड कर सकते हो कॉन्टोर करके. नोज़ पे करने से आपको स्लिम लुक देगा, नोज़ थोड़ा लॉन्ग दिखेगा. फिटमी का कंसीलर लिया है मैंने यहाँ पर. अपने डार्क सर्कल्स एरिया पर अच्छे से कंसील करना है. और आपको अगर फेस पे कहीं पे भी ब्लैक है या पिंपल्स के स्कार्स है, ब्लिमिशेस है, आप सबको हाइड कर सकते हो. अपने टी जोन एरिया पे स्पेशली आपको हाईलाइट करना है, इससे आपका फेस बहुत ब्राइट लगेगा. अब जहाँ पे हमने कॉन्टोर किया है एग्जैक्टली उसके नीचे करना है हमें हाईलाइट. अभी यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. स्पेशली पहले हम ब्लेंड करेंगे अपने कॉन्टोर जो हमने किया है उसको, उसके बाद हम जो हाईलाइट किया है कंसीलर से उसे ब्लेंड करेंगे. जिस तरह आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ कितना इजीली ब्लेंड हो गया और पता ही नहीं चलता है कि हमने कॉन्टोर किया है या हाईलाइट किया है. बट एक फेस पर एक अच्छा सा शार्प लुक आ जाता है, एकदम से आपको डिफरेंस दिखाई देगा हमेशा. जब भी आप कॉन्टोर करोगे या हाईलाइट करोगे ना, आपको दिखेगा. अब यहाँ पे मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. ब्लेंडिंग के लिए स्पेशली थोड़ा टाइम ज़्यादा लेना, लेकिन ब्लेंड अच्छे से हो, कोई हार्श लाइन नहीं दिखे वहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें. अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखाई दे रहा है. बस इसी तरह टाइम लेना है. जैसे कि आप देख रहे हैं नोज़ को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक हार्श लाइन दिखाई दे रहा था मुझे. अब ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है. अब यहाँ पे मैंने पाउडर लिया है. कोई भी आप फेस पाउडर, प्रेस पाउडर, लूज पाउडर ले सकते हो. कोई भी बेकिंग पाउडर से आप सेट कर सकते हो. स्पेशली जहाँ पे हमने कंसील किया है वो सब एरिया को अच्छे से पाउडर के साथ सेट करना है, ताकि कोई क्रीज लाइन ना आए और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग लगे. अब मैंने सिवाना कलर्स का कॉन्टोर पाउडर लिया है. रियल टेक्निक ब्रश के हेल्प से इसे और थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे. कॉन्टोरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत लोग इसे अवॉइड कर देते हैं. अगर आपको शार्पर और स्लिमर फेस चाहिए तो मेक श्योर आप कॉन्टोर करें मेकअप में. जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ हाईलाइट भी कर लिया कॉन्टोरिंग स्टिक के बाद, मैंने कॉन्टोरिंग पाउडर से भी किया है. ये हमारा फाइनल लुक है. सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल डूइंग कॉन्टोरिंग? फ्रेंड्स, कॉन्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कॉन्टोरिंग नहीं करते हो तो स्टार्ट डूइंग कॉन्टोरिंग, क्योंकि आपका फेस स्लिमर और शार्पर लुक देगा. तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है. नीचे मुझे ढेर सारा कॉमेंट्स करना और लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा. तो चलो मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट टाइम. बाय, टेक केयर.